मैं बहुत आसानी से डर जाता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया अपने वर्ल्ड में ऐड करने का दी मोस्ट डाउनलोडेड हॉरर मोड पैक, जिसका नाम है दी मैन फ्रॉम दी फॉग। ये मोड एक बहुत डरावना मोब ऐड कर देता है जो सिर्फ रात को स्पॉन होता है, एंड जो चीज इसे स्कैरी बनाती है वो ये है कि ये तुम्हारा पीछा करेगा और अल्टीमेटली तुम्हें मार देगा। और इसी चीज को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए मैंने ऐड कर दिया गोट मैन, जो कभी भी तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होकर तुम्हें मार सकता है। तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? वेल, डे वन, पेड़ तोड़ो। अरे मुझे कुछ भाई, मैं अपने कॉप्चे में जाके भाई वहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल्स बनाऊंगा। इधर देखो भाई, शिपरेक। मैं जा रहा हूँ। वेल, वर्ल्ड के स्पॉन पर ही हमें एक शिपरेक मिल गई थी, बट उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को आधा ही दे दिया। मैं तुम्हारे लिए ये बना रहा हूँ, उसको और बना के सकते हो। एक एक बना बना बना, पहले वाटर बकेट बना लो, वाटर बकेट बना लो पहले। मैं मेरे लिए बना लो, एक एक वाटर बकेट बन जाएगी। मेरे से कुछ है ही नहीं। मैं मेरे लिए बना ली, तू दो लोगों के लिए बना ले। ये ले स्क्विड स्क्विड स्क्विड। कितनी डरावनी आवाज आ रही है। आ गया, बचा बचा, आ गया, पहुंच गया, मर गया। पानी का पानी, पानी का पानी में जाओ। ओ भाग 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 भाग। वॉन्डरिंग ट्रेडर क्या कर रहा है? तम लोगों को गोटमैन ने पहले ही दिन अपने दर्शन दे दिए थे और प्रसाद के लिए वो मिस्टीरियस को ले गया। इसके बाद रात होने लगी और हम सब अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि गोटमैन को देखने के बाद हम सब की फट चुकी थी एंड हम सीधा अगले दिन ही बाहर निकले। बट हमें क्या पता था कि हमारा वो दिन पिछले वाले से भी डरावना होने वाला था। अब मैं भाग ही नहीं सकता, तुम लोग खाना खा रहे हो। बोले एक तो दे, मेरे को मेरी थी, वो मेरी थी, वो मेरी थी। अच्छा अलग मत हो, अलग मत हो, अलग हो गए भाई और दिक्कत हो जाएगी। पागलपन कर रहा था, मेरे पास कॉल था लेकिन मैं फूड यूज कर रहा था। फिर ये उधर है। मर गया। कौन है? इनवाइट फुल। मैं हाफ आर टू पद्दा जा रहा हूँ। नाइटी मेरा सामान उठा ले और इसने टारगेट किया। मैं इसको मार के रहूंगा अभी। मैं उठ नहीं पाऊंगा भाई, मैं बोट में जब बैठा हूँ उठ नहीं पाऊंगा। करेक्ट करने चल सीरियस पहले तू। ये हार्ड मोड पे है क्या? नहीं, नॉर्मल पे है ये। मैं नहीं बच सकता भाई। भाई वो रात को दूसरा दरिंदा आता है भाई, सुबह ये आता है भाई, हट भाई। वेल, अपने दिल की धड़कन इतनी तेज करने के बाद हम लोग आगे का ट्रैवल बोट से करते हैं, क्योंकि जंगल तो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। रात हो, निकलो निकलो भाई निकलो। अबे मार क्यों आया भाई, निकलो। अरे बोट में चल, वो पानी में नहीं आएगा। बोट में चल, बोट में कितनी देर हांडोगे तुम? ये मिल गई विलेज, विलेज मिल गई। विलेज के अंदर चलो, विलेज के नीचे अंडरग्राउंड हो, विलेज के नीचे जल्दी अंडरग्राउंड हो, विलेज के नीचे अंडरग्राउंड हो जा। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि रात को अंडरग्राउंड होने के बाद हमने बहुत सारी ग्राइंडिंग करके अपने लिए टूल्स और आर्मर्स बनाए होंगे, बट रियलिटी में हमने उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम किया। जिंगा लाला हुर हुर, जिंगा लाला हुर हुर, जिंगा लाला हुर हुर, जिंगा लाला हुर हुर हुर, ये। वेल, इसके बाद हमने विलेज से काफी सारी हेबल लूटी और एक हाइट पे अपना छोटा सा बेस बनाया। देखो यहाँ पे अपना सेफ एरिया है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, ठीक है? कोई भी ब्लॉक लगाओ, बस इस जगह को सेफ और अच्छा बनाओ। और ये गोटमैन आ नहीं रहा, लगता है सच्ची में मर गया ये। 100% अब किसी फट गई ना भाई गोटमैन की। ये आगे इधर है, किधर है? वो किधर है? देख 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 किधर है भाई, वो भी आ गया, नाइट वेलर भी आ गया।
पूरी रात इनके कारनामे देखने के बाद अगले दिन मिस्टीरियस और मैं माइनिंग पर चलते हैं। स्क्वेड हमारे साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि हम तीनों में से वो स्क्वेड ही था जिसकी मेरे से ज्यादा फटती है। फाइनली थोड़ी लाइट मिल गई एटलीस्ट। हाँ थोड़ा भाई अभी यार मेरे को क्यों गिरा रहा है ये बंदा। अब इतना आयरन ग्राइंड करने के बाद हमें ये यकीन हो चुका था कि ये मॉन्स्टर्स केव में नहीं आ सकते अंटिल गोटमैन आके फिर से मिस्टीरियस को लुड़का देता है। अब अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो हमने ऊपर आके सारा आयरन बांट लिया और हम सब के पास अब आयरन गियर्स हो चुके थे। इसी के साथ हमने अपना बेसिक स्ट्रेट लाइन में एक्सपैंड किया क्योंकि हमें बनाना था एक फॉलिंग पिट ट्रैप जिसमें हम मॉन्स्टर को लोड करके ऊपर लाएंगे और वो हमें चेस करने के चक्कर में नीचे गिर के मर जाएगा। और सरप्राइजिंगली हमें उसका डेमो देखने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। तीन साइड है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये मेरे पीछे भागले। वेल यहाँ पे एक अच्छी चीज भी हुई और एक बुरी भी। अच्छी बात ये थी कि हमारा ट्रैप वर्क कर रहा था और बुरी बात ये थी कि अब गोटमैन हमारे बेस पर स्पॉन हो रहा था। एंड अगर तुम इसे कोइंसिडेंस कहते हो तो ये देखो अब इसके बाद हम तीनों अपने फॉल ट्रैप को बेडरॉक तक एक्सपैंड करने का सोचते हैं और नीचे जाने लगते हैं। गुड़ पीछे देख। बाद में हमें अपना ट्रैप एक्सपैंड करते करते एक माइनशाफ्ट मिलती है और क्योंकि अब सुबह के 4 बज चुके थे हम तीनों ने गेम लेफ्ट किया और सोने भग गए। सो इट मींस कि ये इस वीडियो का एंड है और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक बस एक लाइक, यस एक लाइक कर दो यार। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। टिल देन।